आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार प्रयासरत है। इसे लेकर बीते 1.5 माह में कांग्रेस आलाकमान के नेता कई बार बैठकें भी कर चुके हैं। इस बार जिस तरीके से राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं ने मिशन 25 का टारगेट लिया है, उस टारगेट को पूरा करने में कांग्रेस के सामने मुसीबत बनी है। वो 11 सीटें जहां बीते लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुत बुरी तरीके से चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, 11 में से 3 सीटें तो वो है जहां कांग्रेस पार्टी अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी थी। इसके अलावा 8 सीटों में से 7 सीटें वो है जहां कांग्रेस पार्टी को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा से उसका प्रत्याशी चुनाव हार गया था। कुल मिलाकर ऐसी 8 सीटें हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी को 3 लाख वोटों से ज्यादा से चुनाव हारना पड़ा था। इनमें पहले नंबर पर जयपुर की सीट आती है जहां कांग्रेस पार्टी करीब 5.5 लाख मतों से चुनाव हारी थी। वहीं उसके बाद में वो दिग्गज भी आते हैं जो कांग्रेस पार्टी के सबसे दिग्गज नेता कहलाते हैं। इनमें सीपी जोशी और गिरिजा व्यास का भी नाम शामिल है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में वो नए ऐसे चेहरों को मौका देगी जो इन सीटों पर फ्रेश चेहरा होने का फायदा ले सके और कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जीत नाम आ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आम राय बन रही है। अलग अलग अगर मत पहले भी थे तो अब लगभग सब लोग एक साथ बैठकर उम्मीदवारी को लेकर कोई ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं है। अच्छे लोग, लोकप्रिय लोग, और हमारी कोशिश रहेगी कि नौजवान, महिला, फ्रेश लोगों को हम लोग मौका दें। तो लोकसभा के तैयारी को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छी बढ़त ले ली है, मुझे इस बात की खुशी है। ब्लॉक, तहसील, जिला, प्रदेश, हर लेवल पर संगठन पूरी तरह मुस्तैद है।